हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आकांक्षा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुर्ता और प्लाजो सेट शेयर करने वाली हूँ और दो कुर्ताज भी है वो भी शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए देख लेते हैं। बट उससे पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आएगा उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप नोटिफाई हो सके मेरे हर एक वीडियो से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने दूसरे चैनल का भी लिंक दे रखा है, अगर आप हेयर और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि है आकांक्षा ब्यूटी के नाम से। तो फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यानी कि जो क्लॉथिंग आइटम्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो प्राइजेस हैं वो सब मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी और जो मेरी साइज है वो भी मेंशन कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कुर्ता और प्लाजो का सेट, जिसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है। सो ये है उसका टॉप, यानी कि ये कुर्ता है और ये स्ट्रेट कट में है, अनारकली डिजाइन नहीं है। सो ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा पिंक कलर का है, और इस पे जो इम्बेलिस्ड प्रिंटिंग की गई है चमकीले कलर की, जो कि जल्दी नहीं जाती है। अगर आप इसे रेगुलर वेयर में भी वेयर करते हैं तो भी ये जल्दी नहीं जाएगी, बट हाँ निकलेगी जरूर, ऐसा नहीं कि परमानेंट रहेगी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी तो है नहीं, है प्रिंटिंग, तो ये निकल जाएगी बट जल्दी नहीं जाती है। सो ये कुछ इस तरह की है, और मैं क्लिप ऐड कर दूंगी कि ये मुझ पे कैसा लग रहा है। सो ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है इस तरह के पिंक कलर में, और सेम जो वर्क है, यानी कि सेम जो प्रिंटिंग है, वो पूरे कुर्ती पे आपको नजर आएगा। बिल्कुल प्लेन है ये, और इस तरह का इसका नेक है आप देख सकते हैं, और पीछे से भी ये बिल्कुल सेम है, बैक में भी बिल्कुल सेम प्रिंटिंग है इसकी इस तरह की, और स्लीव्स भी कुछ इस तरह के ही हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल प्लेन है ये, और बिल्कुल कॉटन फैब्रिक में, 100% कॉटन फैब्रिक में है ये। और ये किस ब्रांड से है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये लिबास से है, और जो इसकी एमआरपी है वो है 2300 रुपीज, बट मैंने इसे कितने में लिया है सो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे प्लाजो, जो कि प्लाजो नहीं एक सरारा है, ये कुछ इस तरह का है आप देख सकते हैं, काफी प्रिटी है, और ये फेस्टिव वेयर है, बहुत अच्छा लगेगा किसी फेस्टिवल में या फिर किसी वेडिंग फंक्शन में, छोटे मोटे आप पहनते हैं तो। ये कुछ इस तरह का है, जब मैं क्लिप डालूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, बट मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट में आपको कोई भी इलास्टिक रबर कुछ नहीं मिल रहा, बट बैक में आपको इस तरह से इलास्टिक मिल रहा है, जिससे कि आप इसमें फिट हो पाएंगे, और इसमें भी आपको बैक में यहाँ ब्रांडिंग मिल रही है लिवास की, और प्रिंटिंग बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, बस कट अलग है, क्योंकि ये प्लाजो है, सरारा है, तो इसका कट तो कुर्ता की तरह होगा नहीं, बट प्रिंटिंग बिल्कुल सेम है और फैब्रिक भी बिल्कुल सेम है, 100% कॉटन है ये। और कुर्ते के बाद इस जो प्लाजो है, प्लाजो के साइड में आपको इस तरह की डोरी मिलेगी, जो कि सिर्फ सो के लिए है, बट काफी अच्छी और काफी सुंदर लगती है ये, इसमें अटैच है, ये खुलती नहीं है, बट ये काफी अच्छी लगती है। सो फ्रेंड, जो कुर्ती है वो ये है, और इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है। सो ये काफी सुंदर कुर्ती है फ्रेंड्स, और ये है पैंटालूंस की तरफ से, रंगमंच बाय पैंटालूंस इसमें मेंशन है, और ये काफी अच्छी कुर्ती और काफी अफोर्डेबल दाम पे मुझे मिल गई है। ये हाफ स्लीव्स में है, और ये किसी भी वेडिंग फंक्शन या फिर किसी भी फेस्टिव ओकेजन के लिए काफी अच्छी रहेगी। ये भी कॉटन फैब्रिक में है और काफी अच्छी है, और इसकी फैब्रिक भी बहुत अच्छी है, सी थ्रू नहीं है ये जरा भी। सो इस तरह का इसका नेक है, जब मैं क्लिप डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा। सो इस तरह का नेक है, और नीचे में जाकर ये अनारकली डिजाइन में हो जाता है, और कुछ इस तरह का है बिल्कुल प्लेन, और जब आप बॉर्डर के पास जाते हैं नीचे में तो इस तरह की लेसिंग टेपिंग आप जो चाहे कह सकते हैं की हुई है, जो कि दोनों साइड है। बैक में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये इसका बैक है, बैक में ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, और ये सब कुछ प्लेन है, ब्रेस्ट एरिया भी प्लेन है, बट नीचे में जाकर इसी तरह की आपको टेपिंग मिलेगी, जो कि काफी सुंदर लग रही है, और पिंक कलर के किसी भी बॉटम वेयर के साथ आप इसे पहन सकते हैं, तो ये काफी अच्छा लगेगा। और जो फ्रेंड्स इसकी प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो इसकी एमआरपी है फ्रेंड्स वो है 1500 रुपीज, और
इसमें मेरी साइज जो है फ्रेंड्स वो एम है, बट मैंने इसे कितने में लिया ये मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ब्रांडिंग आप देख सकते हैं रंगमंच है और ये पैंटालून्स की ओर से है और साइज इसमें मेरी मीडियम है। ये भी काफी प्रिटी कुर्ती है और मुझे काफी अच्छी लगती है और ये किसी भी वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छी लगेगी। और हाफ स्लीव्स है फ्रेंड्स और स्लीव्स के पास भी आपको यहाँ पे टेपिंग देखने को मिलेगी बिल्कुल पिंक कलर की। और जो फ्रंट में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वर्क दिख रहा है जड़ी के धागों से वर्क है फ्रेंड्स फ्रंट में आप देख सकते हैं काफी अच्छा है। और इसका जो नेकलाइन है वो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ब्रेस्ट एरिया के पास ये काफी ज्यादा हैवी और अच्छा लुक देता है, सो इसलिए फेस्टिव सीजन के लिए बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको अपना लास्ट कुर्ता यानी कि थर्ड दिखा देती हूँ, थर्ड जो क्लॉथिंग आइटम है मेरी। सो ये है ब्लैक कलर की और ये भी काफी अच्छी है और ये भी फेस्टिव वेयर के लिए ही है बट ब्लैक है इसलिए बहुत लोग फेस्टिव या किसी वेडिंग फंक्शन में ब्लैक पहनना पसंद नहीं करते तो उनके लिए तो ये नहीं है फेस्टिव सीजन के लिए, बट आप इसे कैरी करेंगे तो आप इसमें काफी अच्छे लगेंगे क्योंकि इसमें आपको देख सकते हैं आप ये है इसका नेक और इसमें मेरी साइज जो है वो एम है बट ये मुझे थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैं इसे स्मॉल साइज में मंगवाऊंगी। इसके फ्रंट है ये फ्रंट इसका नेकलाइन है और उसके बाद आपको मिरर वर्क मिल रहा है तीन और इसमें घुंघरू भी लगे हुए हैं जो कि आवाज कर सकते हैं आप, आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा। सो इसमें घुंघरू लगे हुए हैं फ्रेंड्स और ये इसके स्लीव्स जो कि दोनों तरफ से एम्बेलिश्ड प्रिंटिंग की हुई है जिसमें दोनों तरफ से, और आपको स्लीव्स के लास्ट में यहाँ पे पॉम्पॉम भी लगाए हुए मिलेंगे जो कि अभी काफी ट्रेंड में और काफी टाइम से ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स के साइड में आपको पॉम्पॉम रेड कलर के लगाए हुए मिल रहे हैं और ये तो मैंने आपको फ्रंट दिखाई दिया, रेड और ब्लैक की मिक्सिंग है इसमें फ्रेंड्स। और जब हम नीचे जाते हैं तो ये अनारकली बन जाता है और उसके बाद फिर ये इस तरह का इम्बेलिश्ड प्रिंटिंग इसमें की हुई है नीचे में जाकर। सो जब मैं क्लिप ऐड करूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। और लास्ट में भी इसके फ्रेंड्स आपको पॉम्पॉम देखने के लिए मिलेगी ये कुर्ती के लास्ट में भी और ये काफी अच्छी है और ये दोनों साइड में है बट जो इम्बेलिश्ड प्रिंटिंग है फ्रेंड्स वो आपको दोनों साइड नहीं मिल रही है, बैक में सिर्फ यहाँ पे गले के पास यानी कि आपको मिलेगी प्रिंटिंग, उसके बाद फिर ये कुर्ती बिल्कुल प्लेन हो जाती है नीचे से जाकर और बस इसमें पॉम्पॉम लगे हुए हैं। सो ये काफी अफोर्डेबल है और आप इसे डेली यूज के लिए कोचिंग कॉलेज के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी छोटे मोटे फेस्टिव ओकेजन पे भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें टैग नहीं है इसलिए मैं इसकी जो एमआरपी वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी बट ये मुझे कितने मिली है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और जो फैब्रिक है फ्रेंड्स वो नायलॉन है, प्योर कॉटन नहीं लग रहा है, थोड़ा मिक्स लग रहा है। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।